हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जाने वाले हैं राजू सागर बांध, जो कि हमारी तिरोड़ी से लगभग 55 किलोमीटर यानी 55 किलोमीटर दूर है राजू सागर बांध। तो हमें फ्रेंड्स यहां पर एक छोटा सा गार्डन मिला जहां पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा पर नारियल के पेड़ लगाए गए हैं। तो हमने सोचा यहां का भी आपको व्यू दिखाया जाए, ये गार्डन कैसा है, क्या है, और यहाँ पे मूर्तियाँ भी बनी हैं, और ये काफ़ी बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं जो कि यहाँ पे गार्डन में लगाए गए हैं। और मैं फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो पर लास्ट तक के बने रहे, और राजू सागर बांध आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं राजू सागर बांध की ओर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं राजू सागर बांध की ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऊपर का जगह है, मैं नीचे जाके भी बताऊंगा आपको। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है और वहाँ पे मेरे दोस्त भी खड़े हैं, और देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं बांध पर, और यहाँ से हमें नीचे जाना है। नीचे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि वो बांध कैसा है और वहाँ से पानी कैसे बहता है। और ये ऊपरी हिस्सा है और यहाँ पे काफ़ी लाइट लगाए हुए हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KM व्लॉग्स। तो आज आए हम राजू सागर बांध, जो कि मेरे पीछे है, जो कि काफ़ी बड़ा है ये राजू सागर बांध। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पर लास्ट तक के बनिए रहे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये है राजू सागर बांध, जो कि काफ़ी बड़ा है मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये राजू सागर बांध काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बारिश के समय इस बांध को खोल दिया जाता है, और महाराष्ट्र का पानी मध्य प्रदेश पर आता है। और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के बीच का बांध है जो कि राजू सागर बांध है। ये राजू सागर बांध काफ़ी हद तक फैला हुआ है जैसा कि मैंने आपको दिखाया पिछली व्यू में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पर लास्ट तक के बने रहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।